giving example applications. First of all, we are declaring variable I in the form of stack memory. इस प्रोग्राम को लेकर जनरली टू पॉसिबल केस होंगे. व्हाट इज दोज केसेस आर? फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन, इट इज एम्प्टी, लीव इट. सेकंड मार्क किया जाए 3. देन फोर्थ केस में चांस किस को मिलेगा? स्कैनफ फंक्शंस. स्कैनफ फंक्शंस के केसेस में डिस्कस किया था, इसका रिटर्न वैल्यू क्या रहता है? ऑलवेज नंबर ऑफ सक्सेसफुली रीडेड इनपुट वैल्यू. सक्सेसफुली रीडेड इनपुट वैल्यू. फर्स्ट केस में वैलिड इनपुट सप्लाई करूंगा, सेकंड केस में इनवैलिड इनपुट सप्लाई करूंगा. फर्स्ट वन, जैसे इस केस में स्कैनर फंक्शन एग्जीक्यूट, सपोज दैट मैंने एंटर किया वैल्यू एज समथिंग 10, तो जैसे 10 एंटर हुआ, इमीडिएटली स्कैनर फंक्शन इस वैल्यू को रीड करके आसान किस में करा, इनसाइड वेरिएबल आई और इन प्लेस ऑफ एड्रेस ऑफ आई. सपोज दैट वैल्यू 10 आसान का चुका है इनसाइड वेरिएबल आई. देन इसके साथ नंबर ऑफ सक्सेसफुली कितने इनपुट सीड हुए, एग्जैक्टली 1 इनपुट फॉर वैल्यू 4. इसलिए स्कैनएफ के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या हुआ? 1. 1 मीन्स कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है, देन चांस किसको प्रोवाइड हुआ? फिफ्थ केस में जस्ट बॉडी ऑफ फोर लूप. बॉडी के अंदर प्रोवाइड किया ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट से कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड हुआ? आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. दिस इज लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड. इस केस में कोई आउटपुट डिस्प्ले हुआ कि नहीं? इस केस में 10 क्या है? एंटर्ड वैल्यू, जो कि यूजर ने एंटर किया था ड्यूरिंग स्कैनफ फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट केस रिस्पेक्ट टू वैलिड इनपुट. सेकंड केस, व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी आर एंटरिंग इनवैलिड डेटा. सेकंड केस, आउटपुट वाइज मॉनिटर अगेन. सेकंड केस में अगेन आई का इनिशियल वैल्यू क्या? गार्बेज. स्कैनर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, सपोजेड मैंने कीबोर्ड से एंटर किया जाए एबीसी, देन एंटर की. एबीसी इनवैलिड डिजिट्स हैं, इसलिए कोई भी डेटा रीड नहीं होगा. अभी भी आई में क्या स्टोर है? प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू इज गार्बेज. स्कैनर फंक्शन इसके इसमें रिटर्न क्या करेगा? नंबर ऑफ सक्सेसफुली रीड आर्गुमेंट्स. कितने आर्गुमेंट रीड हुए? ओनली 0. इसलिए नेक्स्ट टाइम स्कैनर का रिटर्न वैल्यू क्या है? 0. 0 मीन्स फॉल्स. फॉल्स है, देन इसके इसमें बॉडी को ही चांस नहीं लेगा. इस केस में डायरेक्टली कंट्रोल बार कब आएगा? आउटसाइड, सॉरी, जस्ट आफ्टर टेस्टिंग दिस कंडीशंस. मींस दिस इज 1, 2, देन 3, 4, देन फिफ्थ केस, लाइक दैट. इस टाइप से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉसिबल. मींस दोनों ही केसेस में चाहे वैलिड इनपुट प्रेस करो या इनवैलिड, दोनों ही केसेस में कभी कोई आउटपुट डिस्प्ले होने चांसेस नहीं. बिकॉज फर्स्ट केस में अगर वैलिड इनपुट है, देन ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है, डायरेक्टली कंडीशन के थ्रू एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो रहा. दिस इज द ओवरऑल अबाउट गिवन एग्जाम्पल्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रेक स्टेटमेंट और स्कैनफ.